ओम शांति। आपका प्रश्न है सूक्ष्म वर्तन में एडवांस पार्टी की मीटिंग कैसे होती है। मैं सूक्ष्म वर्तन में तो कभी गया नहीं। सूक्ष्म वतन की मीटिंग भी मैंने कभी अटेंड नहीं की। दादियों से सुना है, संदेशों में जो सुना है, और जितना मुझे समझ में आया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि पहले हमें बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में जरूर स्पष्ट कर लेना है कि सूक्ष्म वतन आत्मा का सूक्ष्म स्थिति का होना है, और सूक्ष्म स्थिति या सूक्ष्म अवस्था का मतलब है मैं आत्मा, संसार के सब आत्माएं, हम सब भाई भाई, संसार की सब आत्माएं मेरे लिए समान है, अपने और पराई नहीं है। जिस पल एक सेकंड भी ये आपने अनुभव किया उस समय आप सूक्ष्म वतन वासी हैं। बाबा कई बार कहते एक सेकंड के लिए भी अनुभव करके देखो, एक बार एक सेकंड का अनुभव आपको बार बार उस अनुभव में ले जाएगा। न्याय और सब आत्माएं मेरे भाई, जब ये स्मृति रहे कि हम सब आत्माएं एक ही बाप के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, तो एक समान है। तो कोई भी आकर्षण नहीं होगा। मैं इनको सकाश दूं, दूसरे को सकाश ना दूं, ये संकल्प नहीं होगा। सब मेरे लिए बराबर। जब मैं केवल अपने बच्चे को सकाश दे रहा हूं, केवल अपने परिवार के किसी सदस्य को सकाश दे रहा हूं, वो सकाश नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म अवस्था ही नहीं। वहां अटैचमेंट है, वहां अटैचमेंट है। पांचों विकारों में से कोई विकार है तो बॉडी कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियस है तो सूक्ष्म अवस्था नहीं है। अभिमान के अपमान की फीलिंग है तो बॉडी कॉन्शियस है, सूक्ष्म अवस्था नहीं है। गुलजार दादी जी का न्यारा और प्यारा होना जो हमने प्रैक्टिकल देखा है,
गुलजार दादी में मुझे कोई मौका नहीं मिला, मेरा तेरा देखने का। मेरा तेरा है तो वो सूक्ष्म वतन वासी नहीं है। एकदम साइलेंस में रहना, न्यारे प्यारे बनकर रहना। परमात्मा तो सदा ही न्यारा प्यारा है, वो किसी में बंधता नहीं। ब्रह्मा बाबा को न्यारा प्यारा बनने में 33 वर्ष लगे। लास्ट के क्षण में बाबा ने लास्ट के क्षण को वर्णन किया कि एक तरफ कर्म भोग था, दूसरी तरफ कर्म योग था, तीसरी तरफ बच्चों का प्यार। वो नहीं, किसी विशेष बच्चे की याद नहीं, न्यारा और प्यार। परमानेंट सूक्ष्म वतनवासी हो गए। दादी गुलजार तो सूक्ष्म वतन में जाती और आती, और 1970 की मूल्यों को आप यदि पढ़ें, 18 जनवरी 1969 के बाद की मूल्यों को आप पढ़ें, तो बाबा कहते, बच्ची ये सूक्ष्म वतन आना जाना बंद कर, इस व्यक्त वतन को अव्यक्त वतन बना दो, तो जो कभी कभी अव्यक्त वतन वासी फीलिंग में आते थे भाई बहन, उनको ब्रह्मा बाबा लगता था, अनुभव कराता था कि बाबा यहां है, बाबा यहां आए हैं। सूक्ष्म अवस्था में वो आत्मा अनुभव कराए। तो हमें मोटे रूप से समझना है कि सूक्ष्म अवस्था होती क्या है। तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा की आत्मा और एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं, जिन्होंने अपने आप को सूक्ष्म वतनवासी बनने की कला विशेषता हासिल कर। तो दादियों ने कहा, संदेशों से मालूम हुआ, प्रकाशमणि दादी ने कहा कि हमें बाबा बुलाता है, हम अपना शरीर वहां छोड़कर यहां आते हैं। जब हम सूक्ष्म वतन में आते हैं, सभी एडवांस पार्टी वाले उस शरीर में आते हैं जिस शरीर में यज्ञ में थे। नीचे सबने जन्म ले लिया है, नीचे शरीर उनका अलग है, नाम उनका अलग है, परंतु तो ऊपर जब आते हैं तो इस रूप में आते हैं जिस रूप में यहां थे। तो ये सूक्ष्म आकार आत्मा तभी बना सकती है जब वो न्यारी और प्यारी हो।
फिर ऊपर बाबा हमें डायरेक्शंस देते हैं, वहां लिप्स रीडिंग होती है, आवाज नहीं होती क्योंकि शरीर नहीं है। वहां चित्र दिखाए जाते हैं, इशारों से समझाया जाता है, वहां आवाज नहीं है। और वहां मीटिंग्स मुख्य रूप से दो बातों के लिए होती है, बाकी तीसरी बात को मैं इतना महत्व नहीं देता हूं कि किसी ने शरीर छोड़ा है, उसका भोग लगाया जा रहा है, बाबा दिखा रहे हैं, वो मीटिंग नहीं है। मीटिंग्स होती हैं सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए, आपने कैसे जाकर नीचे सेवाई करनी है, किनको किनको कैसे कैसे मोटिवेट करना है, वो नीचे जाकर उन कार्य करने वालों को डायरेक्शंस देते कि इस काम को ऐसे करें, क्योंकि उन्होंने जन्म ले लिया है और वो अपना कार्य कर रहे। उनको कैसे वो बताते हैं, वो उनकी प्लानिंग है कि कौन से साइंटिस्ट्स को कैसे समझाएं कि वो विनाश के साधन कैसे बनाएं और कैसे उनको विनाश का परिवर्तन और नई बिल्डिंग्स कैसे बनाएं, उनकी भी प्लानिंग देना, जो गुप्त रूप में उन्हें समझाया जा रहा है कि कैसी भी आग लगे, कैसी भी बाढ़ आए, कैसे भी तूफान आए, कैसी मिसाइल चले, परंतु वो फुल प्रूफ हो, फुल प्रूफ एरोप्लेन्स, फुल प्रूफ वो बनाने के लिए भी वो साइंटिस्ट अभी से सूक्ष्म वतन में न्यारे और प्यारे रहने वाले बच्चे कार्य करा रहे। उन कार्यों कार्य करने के लिए उनको जो डायरेक्शंस दिए जाने हैं, उनको जो अनुभव कराना है, उसके लिए सूक्ष्म वतन में मीटिंग होती है। बाकी वहां ना कोई खाना पीना होता है, वहां ना कोई बैठने के लिए कुर्सियों की जरूरत है, वहां तो केवल सूक्ष्म अवस्था में उपस्थित हुए और मीटिंग हुई, नीचे आकर अपना काम कर रहे। वंडरफुल, जितना मुझे समझ में आया है वो मैंने आपको दिया है, आपके साथ शेयर किया है। और विस्तार से जानना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। यदि कोई प्रश्न हो, कुछ और स्पष्टीकरण चाहिए हो, जितना मुझे मालूम पड़ रहा है, मेरी बुद्धि समझ पा रही है, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। उसके लिए व्हाट्सएप करें 9213106986। ओम शांति।